बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम होता है, आज की वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं एहसान भाई को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उनको एक्ने का इशू है, तो मुझे भी एक टाइम पे एक्ने का इशू रह चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरी जो एक्ने थी वो कैसे ख़त्म हुई। तो सबसे पहले गाइस आपने करना क्या है कि अगर आप लोगों को एक्ने का इशू है तो सबसे पहले आप टॉवल का इस्तेमाल करना छोड़ दें, तौलिए का इस्तेमाल, और दूसरा साबुन का इस्तेमाल आप छोड़ दें। क्योंकि जिन लोगों की एक्नी प्रोन स्किन होती है, जरा सा भी जर्म्स उनके चेहरे पर लग जाएं तो फ़ौरन से उनके ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। तो उसका मैं हल बताऊंगा आपने करना क्या है। और इसके लिए आपको सबसे पहले आप साबुन को छोड़ के आप किसी अच्छे फेस वॉश को यूज करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये देख लें, ये पॉन्ड्स का एक्ने सॉल्यूशन फेस वॉश है। इसमें तीन फेस वॉशेज आते हैं, एक पिंपल क्लियर आता है, एक एक्ने क्लियर आता है और एक एक्ने सॉल्यूशन आता है। जो पिंपल क्लियर है वो मेड इन पाकिस्तान का है, और जो एक्ने सॉल्यूशन और एक्ने क्लियर आता है वो इम्पोर्टेड है, वो मे बी आपका इंडोनेशिया का होगा या वियतनाम का होगा। तो आपने एक्ने क्लियर या एक्ने सॉल्यूशन ये लेना है, इम्पोर्टेड वाला आपने ये वाला फेस वॉश लेना है। पिंपल क्लियर आपने नहीं लेना, वो पाकिस्तान का है, मैंने उसको भी यूज़ किया है लेकिन उसके कोई रिजल्ट्स नहीं है। अच्छा, साबुन की जगह आपने ये वाला पॉन्ड्स का एक्ने क्लियर या एक्ने सॉल्यूशन का फेस वॉश इस्तेमाल करना है। सुबह उठने के बाद आपने इससे मुंह धोना है, और फिर उसके बाद आपने एक जेल या क्रीम अपने जहाँ पे आपके दाने हैं वहाँ पे लगानी है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप फ्यूसिकॉर्ड क्रीम को लें, वो मार्केट से आपको मिल जाएगी। बेसिकली फ्यूसिकॉर्ड जो है वो आपकी इम्पोर्टेड क्रीम है, आई थिंक सो स्विट्जरलैंड की वो क्रीम है, लियो फार्मा की। अगर इन केस आपको वो नहीं मिलती तो फिर आप ये वाली ले सकते हैं एसी सॉल्व, इसको भी ले लें, ये भी काम कर जाएगी। लेकिन सबसे पहले फ्यूसिकॉर्ड को ढूंढें, वो ज़्यादा अच्छी है। तो सुबह मुंह धोने के बाद आपने जहाँ पे आपके पिंपल्स हैं, मुंह धोने के बाद आपने उसको किसी चीज़ से साफ नहीं करना, आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। 5 से 10 मिनट के बाद जब आप पंखे के नीचे बैठेंगे तो आपका चेहरा खुद ही खुश हो जाएगा। उसके बाद आपने फ्यूसिकॉर्ड क्रीम है तो वो लगानी है, अगर ये है तो ये लगानी है, इन दोनों में से कोई एक लगानी है, दोनों नहीं लगानी प्लीज़। और यही प्रोसेस आपने रात को सोते वक्त भी करना है। जब आप सोने लगें, सोने से पहले आपने पॉन्ड्स के फेस वॉश से एक्ने क्लियर या एक्ने सॉल्यूशन से मुंह धोना है अच्छे से। उसके बाद आपने फ्यूसिकॉर्ड या एसी सॉल्व, मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, इसको लगा के आप सो जाएं। तो इंशाल्लाह, मैंने तो यही किया था, जब आप ये प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह आपकी एक्ने जो है वो तकरीबन आप देखेंगे 1 से 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये करने के बाद भी आपकी एक्ने ख़त्म नहीं होती तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रॉपर दिखाएं, ताकि वो आपकी स्किन के मुताबिक आपको वो आपका ट्रीटमेंट करें। खुद से तजर्बे मत करें, ये जो तजर्बा है ये बिल्कुल सेफ़ है। इसके अलावा बाकी कोई ट्रेटिनोइन क्रीम्स वगैरह इस तरह की लेके खुद से आप मत शुरू कर दें। अगर बहुत शौक है तो ये वाला फेस वॉश लें, फ्यूसिकॉर्ड या फिर एसी सॉल्व, बस इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना। और जो आपके एक्नी के मार्क्स हैं वो भी आस्ता आस्ता खुद ही ख़त्म होंगे, उनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपकी जो स्किन वहाँ से थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है जहाँ पे एक्नी का मार्क होता है, उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फ्यूसिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छी है, वो आपके एक्ने मार्क्स को भी ख़त्म कर देगी। एसी सॉल्व भी करेगी काम, ये भी आपके एक्ने मार्क्स के ऊपर काम करेगी, लेकिन फ्यूसिकॉर्ड बेसिकली इम्पोर्टेड है तो वो इसलिए ज़्यादा अच्छी है। ये भी एक्ने क्लियर या एक्ने सॉल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेड है इसलिए अच्छा है। पहले कोशिश करें कि ये दोनों इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लें, अगर आपको ये इम्पोर्टेड नहीं मिलते तो फिर आप लोकल ले लें, फिर ये क्रीम ले लें एसी सॉल्व, ये लोकल है और इसमें पिंपल क्लियर आता है, फिर आप वो ले दें। तो गाइज ये थी वीडियो, और प्लीज़ हर्बल जो फेस वॉशेस होते हैं उसको मत लिया करें, बेकार होते हैं ना, उनका कोई फ़ायदा होता है ना उनका कोई नुकसान होता है,
बस आपके वही बात है कि पैसे खूह में फेंकने वाली बात है। एटलीस्ट इनका काम तो है, इन प्रोडक्ट्स का आपको रिजल्ट्स लाजमी आते हैं और इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो अगर आपको जानना चाहते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट कैसे होते हैं, तो मैंने एक हर्बल फेस वॉश के ऊपर, हिमानी हर्बल का नीम फेस वॉश है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पे वो वीडियो आ रही होगी, आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो हर्बल नाम के फेस वॉश होते हैं, ये बस नाम के ही हर्बल होते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो गाइज, यही आज की वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो किसी में से, आप में से किसी बंदे को डेडिकेट करूं, तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन मुझसे पूछें। अगर मुझे आपका क्वेश्चन अच्छा लगा कि मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी वीडियो बना के आपको डेडिकेट करूंगा, आप में से किसी एक को। तो ये वीडियो स्पेशली एहसान भाई के लिए थी। तो मैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। आप ये वाली वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।